फ्रेंड्स नमस्कार, जय आर सी एम। मैं कैलाश प्रधान, डिजिटल एमएलएम सर्विस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज चलिए जानते हैं आर सी एम की नमक की खासियत क्या है। आर सी एम की नमक इतना वाजिब की क्वालिटी है और जो हम सोच नहीं सकते, हमारा सोच विचार के दायरे से बाहर की है। और पहले के ज़माने में फ्रेंड्स बड़े वाले और नमक यूज करते थे जो कि बिना फिल्टर के हुआ करता था और उसमें जो कि आयोडीन नहीं होता था। और समय के चलते हुए आयोडीन की कमी हमें ज़रूरत रहती है क्योंकि आयोडीन हमारा शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद देती है, हमारा किडनी के लिए और थायराइड के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। ना कि ये सिर्फ खाने को आवश्यकता रहती है, इस हमारा शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी कारण सरकार ने नमक के साथ में आयोडीन देने की नियम बनाई, इसलिए हर कंपनी हमारे नमक जो यूज़ करते हैं उसमें आयोडीन होना ज़रूरी बताया गया है। हमारे जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें लगभग 15 ppm आयोडीन होना ज़रूरी है क्योंकि हमारा शरीर के लिए 20 ppm की आवश्यक रहती है, जो हमारा शरीर सिर्फ 5 ppm ही बना पाती है और बाकी ऊपर से हमें 15 ppm तक लेना आवश्यकता रहती है। तो फ्रेंड्स यदि हम 20 ppm का आयोडीन पूरा करते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा अच्छा रहता है, और बीपी के लिए और चाहे हो आपका किडनी की साफ के लिए हो और शरीर के ऐसे कई सारे छोटे बच्चे का उनका शरीर का ग्रोथ के लिए हो बहुत सारे आवश्यकता रहती है। महिलाओं के लिए ज़्यादातर थायराइड की समस्या दिखाई देती है कि आयोडीन कमी होने के कारण की वजह से। तो आयोडीन हमारा शरीर के लिए होना बहुत ज़रूरी है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। क्या हम नज़र रखते हैं क्या हमारा नमक जो यूज करते हैं कितना होना चाहिए, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आरसीएम ने दे रखा है एक बेहतरीन नमक जो कि आईएसआई सर्टिफाइड है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से ये सर्टिफाइड है जो कि आईएसआई ब्रांड एक माना जाता है, भारत की एक बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट माना जाता है जिसमें आईएसआई होती है। अगर फ्रेंड्स हम मार्केट की तुलना करें तो मार्केट में बहुत मशहूर चलती है ये नमक टाटा की नमक जो कि आईएसआई सर्टिफाइड नहीं है। और फ्रेंड्स दूसरी अगर हम बात करेंगे तो टाटा की क्वालिटी के और आरसीएम की क्वालिटी की बात करें तो टाटा के नमक फ्रेंड्स रहती है 15 ppm की, जो कि आरसीएम की रहती है 30 ppm आयोडीन वाली। 30 ppm इसीलिए देती है कंपनी क्योंकि जब हम उसे खुलते हैं इस्तेमाल करने के लिए और आयोडीन ऊपर से मिलाया जाता है, नमक में नहीं होती है, उसी कारण तो उसका जो प्रोसेस होने के बाद तो नमक में से जो 30 ppm आयोडीन रहती है वो लगभग 15 ppm उड़ जाती है, मतलब कि नष्ट हो जाती है। बाकी जो 15 ppm बचती है हमारा शरीर के लिए आवश्यक होती है 15 ppm, और हमारा शरीर बनाता है 5 ppm, तो 20 ppm कंप्लीट हो जाता है। पर अगर बाजार का हम देखेंगे तो फ्रेंड्स इसमें हमें टाटा में 15 ppm की मिलती है जो कि आधा उड़ जाएगा, ये भी है खुलने के बाद, तो उसमें सिर्फ बचेगा 7.5 ppm और हमारा शरीर का कुल मिला के लगभग आंकड़ा लगाए तो कमी ही रहती है। और तो फ्रेंड्स उसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आरसीएम एक वाजिब नमक दे चुका है। अगर रेट में हम कंपेयर करें तो आरसीएम देती है सिर्फ 18 रुपये में और ऊपर से हमें डिस्काउंट प्राइस, उसके बाद भी बिजनेस वॉल्यूम। और आरसीएम वाला तो कहते हैं कि घर के लिए जैसे बेबी बीवी खूबसूरत लगती है और उसी तरह प्रोडक्ट में बीवी हो तो उतना खूबसूरत भी लगती है। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया, आरसीएम की नमक यूज कीजिए। और टाटा में तो ना ही हमें कोई डिस्काउंट प्राइस मिलने वाली है, ना ही हमें कोई बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाली है, तो इसलिए हम आरसीएम का यूज करनी चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि कुछ और मैंने मार्केट की कंपेयर जो आरसीएम की नमक बहुत सारे जगह में गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट हो रहा है, नमक की टेस्ट चल रहा था दिल्ली की साइड में, तो हमारे बहुत सारे जाबाज साथियों ने अपना नमक की टेस्ट करवाया है और उसमें खरा उतरा है। चलिए उनसे मिलते हैं, उन साथियों से जो कि अपना मुँह से खुद ही बताते हैं, उन लोगों ने टेस्ट करके देखे कि आरसीएम की नमक कितना बेहतर क्वालिटी है। आप लास्ट तक देखिए तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आरसीएम आपका दोस्त जेपी धनखड़, और आज हम रोड़ी आरसीएम बाजार में हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त विष्णु शाह जी,
दोस्तों अपने नमक की क्या क्वालिटी है ये बताएंगे, क्योंकि अभी एक यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक चली हुई है सिस्टम मेडिकल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के घरों में नमक चेक किया जा रहा था, तो इनके घर पे भी वो टीम आई। सर क्या बात हुई, थोड़ा जोर से बोले। अरे वो नमक चेक करने वाले आए तो उन्होंने पड़ोसी को भी नमक चेक किए, हमारे भी चेक किए, तो पड़ोसी का नमक जैसे पानी में डालेगा तो नीला पड़ गया। ओके। और हमारे नमक जब पानी में डाले तो बिल्कुल सफ़ेद था, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से लाते हो, हम लोगों ने सर RCM मिलाते, तो अगर आपका नमक बहुत ही बढ़िया है और इसमें कोई बीमारी नहीं है और ये बहुत बढ़िया फिल्टर बना है, और पड़ोसियों के नमक में नीला पाया गया, बनाए नुकसानदायक। दोस्तों जैसे कि आपने सुना RCM का जो नमक है वो शरीर के लिए लाभदायक पाया गया, मापदंडों पे खड़ा मिला है, और अगर रेट की बात करें मार्केट में 18-20 रुपए का मिलता है डबल रिफाइंड नमक, अपना नमक मात्र 14 रुपए का। और दोस्तों उन्होंने तारीफ की और शुक्रिया आपने बोला, थैंक यू, जय हिंद, जय RCM। दोस्तों नमस्कार, जय RCM। मैं आज यहाँ पे जाड़ोदा गांव में आई हुई हूँ और यहाँ पे इस कॉलोनी को बोलते हैं CRPF का कॉलोनी, तो यहाँ पे मैडम जी बताएंगी कि हमारा नमक कितना शुद्ध है और इन्होंने खुद चेक करवाया है, बताओ मैडम। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हमारी गली में नमक चेक करने वाले बाहर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा हर घर का वो नमक देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि किसका प्योर नमक वो यूज कर रहे हैं, तो मैंने अपने घर का नमक उन्होंने लिया मेरे से, तो फिर मैंने दिखाया, उन्होंने बोला ये आप नमक कहाँ से ले रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा प्योर नमक है, और जिस घर से भी उन्होंने लिया वो इतना प्योर नहीं था, इसमें लिटमस डालते ये बिल्कुल नीले कलर का नमक हो गया, और उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा नमक है आपका। तो देखा आपने दोस्तों हमारा नमक इतना शुद्ध है, तभी तो हम इतनी 100% गारंटी लेते हैं कि हमारा नमक बिल्कुल शुद्ध है। तो इन्होंने तो लैब में भी चेक करवा लिया, लैब वाले ही आए थे, तो उसमें जब प्योर हो सकता है तो हमारा नमक बिल्कुल प्योर है, 100% है, जो हम बोलते हैं वो बिल्कुल सच है। आप लोग भी चेक करवा सकते हो अगर आपको यकीन नहीं होता तो। जय RCM दोस्तों।